मौत पर अफसोस ना आंखों में पानी चाहिए, जम चुका है रक्त जो उसमें रवानी चाहिए, हो लिखा जिसमें कि मरना छोड़ कर मारो उन्हें, आज के इस दौर को ऐसी कहानी चाहिए। और ऐसी कहानी लिखने, कहने और आप तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं पिलखवा की धरती से आदरणीय अर्जुन सिसोदिया जी। मैं चाहती हूं एक बार जोरदार तालियां हो और हम बुलाएं मंच पर अर्जुन सिसोदिया जी को। आप सबकी गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, कारगिल की इस पवित्र माटी को प्रणाम करता हूं और देश की सरहदों के प्रहरी जो खड़े हैं उनकी ओर से चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। ये पंक्तियां संभाल करके रखना, सन 65 के युद्ध में हमारे पड़ोसी मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने टैंक दिए थे घोषणा करके, आज ये टैंक इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। कारगिल में हमारे मुल्क के बेटों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया, इस मुल्क की सेनाएं लाहौर तक गईं, तब इस मुल्क के बेटों का पराक्रम गाना चाहता हूं। शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए, जो सीमाओं पे दंभों नुका निचोड़ दिया है, भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है, भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है, शत्रुओं के मस्तकों को मुठ्ठियों में भींच भींच, शत्रुओं के मस्तकों को मुठ्ठियों में भींच भींच, कच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा फोड़ दिया है, अम्मा तेरे लाड़ले ने प्राण छोड़ने से पहले, अम्मा तेरे लाड़ले ने प्राण छोड़ने से पहले शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया है, अम्मा तेरे लाड़ले ने प्राण छोड़ने से पहले शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया है। और दिल्ली 10 घंटे के लिए इस मुल्क के बेटों के हाथों की हथकड़ियां खोले, पांव की बेड़ियां खोले, आतंकवाद की समस्या का समाधान, सरहदों की समस्या का समाधान इस मुल्क की नौजवान पीढ़ियां दे देंगी, तब मैं कहना चाहता हूं कि शत्रुओं ने कश्मीर पाक में मिलाने के, जो उधर से बिलावल ने कहा हम इंच इंच कश्मीर को छीन करके पाकिस्तान में मिला लेंगे, मैं इस मुल्क की सेना की ओर से, इस मुल्क के बेटों की ओर से जवाब देना चाहता हूं कारगिल की इस पवित्र भूमि पर खड़े होकर के, कि शत्रुओं ने कश्मीर पाक में मिलाने के जो कल्प चित्र खींचे हैं समूचे फाड़ आएंगे, शत्रु दुशासन सा जो छू गया है मां का चीर उनकी भुजाएं भीम से उखाड़ आएंगे, शत्रु दुशासन सा जो छू गया है मां का भाल उनकी भुजाएं भीम से उखाड़ आएंगे, सुख से सियालकोट के सियार सो न पाए, सुख से सियालकोट के सियार सो न पाए, सैनिक सपूत सिंह से दहाड़ आएंगे, दिल्ली 10 घंटे की इजाजत हमें जो दे दे इंच इंच पाक में तिरंगे गाढ़ आएंगे, दिल्ली 10 घंटे की इजाजत दे सेना को तो इंच इंच पाक में तिरंगे गाढ़ आएंगे। और सरहद के पार तक ये संदेश जाए, जिस दिन दिल्ली ने इस मुल्क के बेटों के हाथ खोल दिए उस दिन होगा ये कि केसर की क्यारी कश्मीर है अभिन्न अंग, भारत का आते कश्मीर नहीं देंगे हम, केसर की क्यारी कश्मीर है अभिन्न अंग, भारत का आते कश्मीर नहीं देंगे हम, पहले किन्हीं कारणों से एक बार बटा सिंधु, अब किसी सिंध का भी नीर नहीं देंगे हम, भाल की हमारे धूल भारत की चंदन है, छूने मातृभूमि का शरीर नहीं देंगे हम, और कान खोल के सुनो कि पहले की तरह से अब युद्ध में जो जीतेंगे जागीर नहीं देंगे हम, कान खोल के सुनो कि पहले की तरह से अब युद्ध में जो जीतेंगे जागीर नहीं देंगे हम। और डोकलाम में हिंदुस्तान के बेटे खड़े हैं, चीन की हिम्मत जो 62 का युद्ध हमसे लड़ी थी उस सेना की हिम्मत नहीं इस मुल्क के शेरों के सामने आए, मैं चार पंक्तियां बुद्ध की प्रतिमा यहां सामने लगी तब पढ़ना चाहता हूं कि कितना है दम और कितना है पानी तुम्हें इस बार भारत के बेटे बतलाएंगे, कितना है दम और कितना है पानी तुझे इस बार भारत के बेटे बतलाएंगे, बुद्ध वाले संस्कार पहले दिखलाए तुझे अब तुझे युद्ध की कला भी सिखलाएंगे, बुद्ध वाले संस्कार पहले दिखलाए तुझे अब तुझे युद्ध की कला भी सिखलाएंगे, इस बार फाकता उड़ेंगे नहीं अंबरों में, इस बार फाकता उड़ेंगे नहीं अंबरों में, अग्नि वे पृथ्वी त्रिशूल मंडराएंगे, ड्रैगन के फन को कुचल देंगे इस बार, बीजिंग की छाती पे तिरंगा लहराएंगे, ड्रैगन के फन को कुचल देंगे इस बार, बीजिंग की छाती पे तिरंगा लहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सुना है चर्चाओं के दौरान आप सब लोगों से, मेजर पूनिया आदि से, बहुत से सैनिकों के जेबों में चिट्ठियां निकली हैं जब उनके शव तिरंगों में लिपट कर घरों पर पहुंचे हैं, कुछों की डायरियों में लिखा, विजयन थापर की डायरी में, बत्रा की डायरियों में क्या लिखा होगा उन्होंने परिवार वालों के नाम, एक ऐसा ही खत
मेरे एक अलवर के बेटे की जेब से निकला। मैं सच कह रहा हूँ, जब मैंने उस चिट्ठी को खोला, मैंने रोते रोते उसे पढ़ा और पढ़ते पढ़ते मैं रोया। एक शेर लिखा था सर उसके अंदर, हमारी आज की रात की शाम की दोपहर की तमाम कविताएं तराजू के एक पलड़े में रखिएगा, उस बेटे के शेर को आप दूसरे पलड़े में रखिएगा। उसने लिखा, यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। 19 दिन पहले उस बेटे का विवाह हुआ और 21वें दिन करगिल की चोटी पे चला गया था। वहां से उसने एक खत लिखा, उसके एक पहले शेर को याद रखना, आज की शाम मुझे याद रख सको तो इस शेर के साथ याद रखना कि यूं तो तुम्हारे, तुराज भाई इसका दूसरी लाइन आपके कलेजा से पहुंचेगी, कि यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। ये पीढ़ियां हमारी ऐसे ही नहीं लड़ी हैं, ये जंग के पहाड़ों पर लड़ती हुई पीढ़ियों ने जो खत लिखे हैं उसका एक मजमून मैं कह रहा हूं। इन्हीं चोटियों पर जब उसने खत लिखा होगा, बस कल्पना कीजिए, टाइगर हिल है, उस पर कोई सैनिक है, लहूलुहान है, स्टैनगन उसके हाथ में है और एक खत अपनी माँ के नाम लिखता है। मैं शुरू करता हूँ, 3 मिनट की कविता है कि माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है। कविता की एक एक पंक्ति से मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ, ध्यान चाहता हूँ कि माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता खुद शत्रु भी कायल हुआ है, देख उसकी वीरता खुद शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूँ, रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूँ, माँ उसी क्षण से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ, माँ उसी क्षण से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ कि युद्ध था भीषण। कल्पना करें आप, सैनिक की विवशताएं और वीरताएं एक साथ कह रहा हूँ कि युद्ध था भीषण मगर ना इंच भी पीछे हटा हूँ, माँ तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूँ, माँ तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूँ। एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है, माँ कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की है, तो छा रहा है सामने लो आंख के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है माँ मुझे नूतन सवेरा, कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह शैदा हुआ हूँ। एक लाइन पर आप सबका ध्यान चाहता हूँ, कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह शैदा हुआ हूँ, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूँ, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूँ, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूँ। तो ये न समझो माँ, ये तो हर किसी ने कह दिया, सैनिक चिन्ह निद्रा में खो गया, मैं हिंदुस्तान में खड़ा हूँ, मैं एक लाइन में हिंदुस्तान की फिलॉसफी बोल रहा हूँ, ये न समझो माँ, पता नहीं कितने लोग समझे मैं बोलता रहा हूँ, ये न समझो माँ कि मैं चिर नींद लेने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ। दो पंक्ति पिता को लिखता है, सुनता हूँ वह पिता सौभाग्यशाली होते हैं जिनकी अर्थी को उनके बेटे कंधा देते हैं। इतिहास में पहली बार हमारे जवान बेटे की अर्थियों को हमारे पिताओं ने, दादाओं ने कंधे दिए, मुखाग्नियां दी। कैसा लगा होगा उस पिता को जिसने जवान बेटे की अर्थी उठाई होगी। दो पंक्तियां आंसू रोक के सुनिएगा, हमारे राजस्थान के बड़े कवि हैं दुर्गादान जी, उन्होंने दो लाइनें लिखी हैं, मैं आपको पहुंचा रहा हूं। जितनी भारी लगती है ये शेष नाग को धरती, शायद कहीं आंखें नम हो, कि जितनी भारी लगती है ये शेष नाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। इस पीड़ा को जीना थोड़ी देर, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी कि मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूँ और कंधों पर खड़ा हो आसमां सर ले चुका हूँ। तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, एक दिन कंधों पर मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा, पर पिता वह भार अपना तनिक हल्का कर न पाया, तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृण को भर न पाया, तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृण को भर न पाया। दो पंक्तियां भाई को लिखता है, हमारे गांवों में कहावत है आज भी, वो भाई नहीं है वो मेरी बाई भुजा की ताकत है जो बंदूक लेके तोलोलिंग की घाटियों पर खड़ी है। मेरा छोटा भाई अर्जुन और संजय बैठा है, दोनों लाइन में दोनों भाइयों को सौंपता हूँ। सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आसमाई, भाई कब याद आता है, सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आसमाई, ओ मेरी बाही भुजा उस वक्त तेरी याद आई, मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूँ, बचपन में खिलाया होता है, मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूँ, लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूँ, पर अनुज विश्वास रखना मैं नहीं थक कर पड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा, अब तुम्ही को सौंपता हूं बस बहन का ध्यान रखना। कविता बारीक होती है, आंसुओं की यात्रा चाहती है, एक भी आंसू छलके उसे छलकने दीजिएगा। अब तुम्ही को सौंपता हूँ बस बहन का ध्यान रखना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना, तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा, तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा भाई। और अंतिम पंक्ति पत्नी से कहता है, मेरी मान्यता है हमारे यहाँ
रिश्ते की सारी डोर चिता की राख पर जल जाती होंगी, टूट जाती होंगी, लेकिन पत्नी की पीड़ाएं 7 जन्मों तक चली जाती हैं। हमारे यहाँ 7 फेरों का क्रम माना गया है, यह मानकर मैंने लिखा है इसे। अंतिम लाइन पत्नी से कहता है, अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूँ। सबसे कहा है, पत्नी से मांग रहा है, अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूँ। है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूँ कि तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना। यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, सेना के बड़े ऑफिसर्स लोग बैठे हैं। 3 असंभव शर्तें रखी हैं उसने। हिंदुस्तान की कोई पत्नी इन शर्तों को निभा नहीं सकती है, लेकिन वो सैनिक की पत्नी है तो उसका हक बनता है, तो मांग रहा है कि अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूँ। है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूँ कि तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना। हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी रचाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी रचाना। तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्तिया की साधिका हो, तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्तिया की साधिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। जानता हूं बालकों के प्रश्न कुछ सुलझे ना होंगे, सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिनमें वे उलझे तो होंगे। पूछते होंगे कि पापा हैं कहां, कब आएंगे और हमको साथ लेकर घूमने कब जाएंगे। पापा हमको छोड़कर जाने कहां बैठे हुए हैं, क्या उन्हें मालूम है कि उनसे हम रूठे हुए हैं। बच्चे जिद करते, क्या उन्हें मालूम है कि उनसे हम रूठे हुए हैं। तो तुम उन्हें समझाना क्यों जिद पे अड़ जाते नहीं हैं, और ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं, ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं। मैं यहाँ कुलदीप के हित शौर्य किससे गढ़ रहा हूँ, इस घाटियों से लिखा होगा उसने कभी ये पत्र। मैं यहाँ कुलदीप के हित शौर्य किससे गढ़ रहा हूँ, एक आधी सी प्रतिज्ञा उसके हिस्से कर रहा हूँ। वंश की पावन धरोहर अब तुम्ही को सौंपता हूँ, और मैं दुश्मन की गोली बन प्रभंजन रोकता हूँ। तुम अकेली हो नहीं इस धैर्य को खोने न देना, भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना, भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना। सप्त पद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगनी हो, अंतिम 4 पंक्ति आश्वासन की देता है और हमेशा के लिए नीले अंबर की ओर चल देता है। अंतिम पंक्ति पर मैं आपका मन चाहता हूं, जितना भी मन मिले, जितनी भी तालियां मिले, उन जवानों के लिए मिले जिनके सरहद के पार जाने से, तिरंगे को ऊपर ले जाने से हम लोगों के मस्तक तने रह गए। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूँ, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूँ कि सप्त पद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगनी हो। मंच का ध्यान चाहता हूं, अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं मैं, कि सप्त पद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो। इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं, मांग का सिंदूर तेरा मातृभू को दे रहा हूं, मांग का सिंदूर तेरा। करगिल के शहीदों की शहादत जिस तरह से प्रणम्य है, उससे कई ज्यादा प्रणम्य शायद उन वीर सुताओं की वो कुर्बानी है जिन्होंने इस देश पर अपने सिंदूर को न्यौछावर कर दिया। और शायद वही एक नारी जब फोन करती है अपने उस सैनिक पति को, तो किस तरह से अपने गौरवमयी, अपने उस साहस का परिचय देते हुए कहती है, सुनिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। अभी ही तो पिया हमसे गए तुम दूर सरहद पर, न करना शर्त दुश्मन की कोई मंजूर सरहद पर। मोहब्बत देश से जो है तुम्हारी तुम निभा देना, मोहब्बत देश से जो है तुम्हारी तुम निभा देना। निछावर कर हमारी मांग का सिंदूर सरहद पर, निछावर कर हमारी मांग का सिंदूर सरहद पर। और इसी बेपना मोहब्बत के कारण वो सैनिक किस तरह से अपनी वीर गाथा, अपने साहस का परिचय देते हुए, अपनी लड़ाई को लड़ते हुए कहता है, सुनेगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत है, स्वागत। वो इंसान अपनी जिंदगी की जंग को हार गया, देश की जंग को जीत गया, उसकी आत्मा तो इसी धरती पर रहेगी, लेकिन उसका शरीर जब आता है तो वही वीर सुता किस तरह से अपने उस प्रेम को फिर से अपने परिवार को संभालने के लिए व्यक्त करते हुए कुछ इस तरह से कहती है। एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ और चाहती हूँ आप सबकी तालु की ताल मेरी मोहब्बत को उस देश की मोहब्बत तक पहुँचाए। लौट के घर ना आए साजन, लौट के ना आए, लौट
लौट के घर ना आए, साजन लौट के ना आए। और अपने श्रृंगार को किस तरह से जब वो उतारती है तो देश के श्रृंगार को किस तरह से ओढ़ती है, तब कहती हूँ, ये मेहंदी ये रोली चंदन बिछिए और महावर जैसे हुए अनाथ, हाथ में कंगन गए न्योछावर, दर्पण दर्पण भटक रहा हर आंगन अब है सूना, ये कैसी पीड़ा जिसके हर आगे कष्ट है बौना, ये कैसी पीड़ा जिसके हर आगे कष्ट है बौना, पीर का पहाड़ रोए आंसू जाके किसे दिखाए, लौट के घर ना आए साजन लौट के ना आए, लौट के घर ना आए साजन लौट के ना आए, पापा पापा कह के थके जा रहे हैं नन्हे स्वर, पूछ रहे हैं खैर तुम्हारी ये तुतलाते अक्षर, अब सब लोग आ गए हैं पापा को भी ले आओ, बहुत सोच के अम्मा अब तो जल्दी इन्हें जगाओ, बहुत सोच के अम्मा अब तो जल्दी इन्हें जगाओ, रह रह के ये मन घबराए, किस तरह से वो अपने भाव को रोक नहीं पाती है तो कहती है, रह रह के ये मन घबराए आंखें छलक न जाए, लौट के घर ना आए साजन लौट के ना आए, लौट के घर ना आए साजन लौट के ना आए, लौट के घर ना आए साजन लौट के ना आए। और अपने सास ससुर को किस तरह से वो समझाते हुए अपने देश के गौरव को, अपने पति को सलाम करती है, उसके घर वाले किस तरह से उसे सलामी देते हैं, रसता रसता हार गया अब किसको कौन बुलाए, अम्मा की बूढ़ी आंखें थक गई टकटकी लगाए, बापू की भी ओझल आंखें लेकिन फक्र बड़ा है, बोल रहे हैं बेटा अंतिम दम तक खूब लड़ा है, बोल रहे हैं बेटा अंतिम दम तक खूब लड़ा है, आओ याद में उनकी हम सब। जिस तरह से ये हवाएं इस तिरंगे को लहरा रही हैं, तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आओ याद में उनकी हम सब तिरंगा लहराए, लौट के घर ना आए साजन लौट के ना आए, लौट के घर ना आए साजन लौट के ना आए। जय हिंद जय भारत। बहुत खूब कि हिंदुस्तान का दूसरा स्वरूप तुरास के रूप में मैं आप तक पहुंचाऊं, एक बार जोरदार तालियां हो, मैं मंच पर आमंत्रण देती हूं एम तुरास जी को मुंबई से। तो मैं चार लाइनें आज़ादी के हवाले से, मैं क्या महसूस करता हूं आज़ादी के मतवालों को, उनके हवाले से चार लाइनें मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि गज़लों के हर ख्याल में इतरा रहे हो तुम, गज़लों के हर ख्याल में इतरा रहे हो तुम, कागज पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम, कागज पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम। और शेर देखें कि लोगों की ख्वाहिशों पे सुना जा रहा हूं मैं, लोगों की ख्वाहिशों पे सुना जा रहा हूं मैं, लेकिन मेरी गजल में पढ़े जा रहे हो तुम, क्या बात है, लेकिन मेरी गजल में पढ़े जा रहे हो तुम, कागज पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम। और अब आइए उस तरफ चलते हैं कि जब ये आजादी के मतवाले हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे चढ़ रहे होंगे, उस वक्त ये क्या फील कर रहे होंगे, मैं आपको उस माहौल में लेके जाना चाहता हूँ इस गजल के हवाले से कि अगर तुम से रूठे किधर जाएंगे हम, अगर तुम से रूठे किधर जाएंगे हम, तुम ही तुम मिलोगे जिधर जाएंगे हम, तुम ही तुम मिलोगे जिधर जाएंगे हम। और शेर देखें कि गली क्या जहां से
गुजर जाएंगे हम गली क्या जहां से गुजर जाएंगे हम हिंदुस्तान तेरा साथ छूटा तो मर जाएंगे हम तेरा साथ छूटा तो मर जाएंगे हम और शेर देखें सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया था इन लोगों ने उनके हवाले से ये शेर के तलब में उजालों की घर फूंक आए क्या बात है कोई रास्ता ही नहीं था वापस जाने का तलब में उजालों की घर फूंक आए जो वापस गए किसके घर जाएंगे हम जो वापस गए किसके घर जाएंगे हम तेरा सा तू छूटा तो मर जाएंगे हम और शेर देखें के खुशी हम से रूठे तो परवाह नहीं है सलाम करता हूं मैं उनके जज्बातों को के खुशी हम से रूठे तो परवाह नहीं है जो गम हम से रूठा तो मर जाएंगे जो गम हम से रूठा तो मर जाएंगे हम ओ शेर देखें के मुसलसल तबासुम से है लब पे खुश की आप उस महसूस मंजर को महसूस करें कि मुसलसल तबासुम से है लब पे खुश की जरा देर रोकर संवर जाएंगे जरा देर रोकर संवर जाएंगे हम तेरा सा तू छूटा तो मर जाएंगे हम खुशी हम से रूठे और शेर देखें कि जब आखिरी वक्त होता है उस वक्त का ये एहसास आप महसूस कर सकते हैं कि ये आवारगी ने कहा आप सबके कदमों में ये शेर रख रहा हूँ ये आवारगी ने कहा रत जगों से रात दिन कुछ पता नहीं था उस वक्त ये आवारगी ने कहा रत जगों से ये आवारगी ने कहा रत जगों से बहुत थक चुके हैं के घर जाएंगे हम बहुत थक चुके हैं के घर जाएंगे हम तेरा साथ छूटा तो मर जाएंगे हम सलाम है मेरे हिंदुस्तान को तेरा साथ छूटा तो मर जाएंगे हम और आखिरी शेर मख्ता आप सबके हवाले पूरे हिंदुस्तान के हवाले मेरे जज्बात की जो है मैं वो आपसे कद्र चाहता हूँ अगर किसी काबिल ये मख्ता हो तेरा साथ छूटा तो मर जाएंगे हम तू राज उनसे कह दो सफर आखिरी है तू राज उनसे कह दो सफर आखिरी है वो आखिरी मंजर तू राज उनसे कह दो सफर आखिरी है जरा देर ठहरो गुजर जाए गुजर जाएंगे हम जो वापस गए किसके घर जाएंगे हम क्या बात है वाह वाह हिंदुस्तान जिंदाबाद बहुत खूब शानदार धन्यवाद आपका तुराज भाई बहुत ही शानदार आपने काव्य पाठ किया और अब मैं जिस काम के लिए खड़ा हुआ हूँ मित्रों मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ जरा जोरदार तालियां बजाएं तो हम अनामिका अंबर को बुलाएं आपकी जोरदार तालियां अनामिका अंबर आइए एक गीत जिस गीत ने
शायद मेरे से ये कहा कि आपके बीच कहूँगी तो ये मेरा गीत अपने आप में पूरा हो जाएगा। इस गीत को तीर्थ कराने लाई हूँ, आपके दर्शन कराने लाई हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। मुझे मन दे दें उस गीत को जिस गीत ने मुझे कहीं पहचान दी, नाम दी, वो गीत आप तक पहुँचाती हूँ। एक 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौट कर वापस नहीं आएंगे। बेटा अपनी माँ से उसके पिता के वापस ना आने के बारे में प्रश्न करता है। माँ मौन स्तब्ध आंगन में बैठी है, दृश्य आपके बीच है, दिवाली का समय है। किस प्रकार वो बेटा अपनी माँ से अपने पिता के वापस ना आने के बारे में प्रश्न करता है और किस प्रकार वो माँ मौन स्तब्ध पत्थर होकर के बैठी है निरुत्तर, दृश्य बीच है आपके। मैं कविता शुरू करती हूँ, गीत शुरू करती हूँ, सुनिएगा। कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता, 2-3 दिन से अपनी माँ की स्थिति को देख रहा होता है। माँ को देखकर वो अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, हैं दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, हैं दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है, अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है, उन्हें देखकर अपनी माँ से क्या कहता है, दृश्य आपके बीच है, सुने। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता, वो माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ता है और उनके दोनों हाथ पकड़कर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। वो बेटा जब अपनी माँ से रूठ कर कुछ कहता है तो क्या कहता है, मैं देख रही हूँ इस सदन में कुछ आँखें सजल हैं, मैं आपके आंसुओं को आमंत्रण देती हूँ, कहीं मेरी बात पर आपके आंसू छलके तो लिखने की सार्थकता होगी। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। कि 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, ऐसा क्या हुआ के बताने से है इनकार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है। मैं तमाम उन जिम्मेदार व्यक्तित्वों से कहती हूँ जो कहीं सार्वजनिक रूप से ये कह देते हैं कि ये सैनिक तो इसलिए होते हैं कि सीमा पर जाएं, तैनात हो जाएं, वो तो होते ही इसी काम के लिए हैं। जो लोग ये कहते हैं, मैं उन्हें बताती हूँ कि वो कौन से संस्कार हैं, वो कौन से संस्कार जो उस बेटे ने जिए और ये प्रति उत्तर अपनी माँ को दिया। अंतिम अंत आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। कि
पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटे ने अपनी माँ को देखा, उस लाश को देखा। गीत का अंतिम बंद, वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है सुने। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। जो तिरंगे को अपनी कविता में रखते हैं और कविता में अपने आप जान आ जाती है, तो आइए सुनते हैं हम सुदीप भोला जी के लिए, जो अपनी जानदार शानदार कविता आप तक पहुंचाएंगे। एक बार जोरदार तालियां हम सब मिलकर के उनके लिए दीजिए। वतन की दहरी के प्रहरी, वाह, सो गए नींद बहुत गहरी, तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए। न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। वतन की दहरी के किसी की आँख के तारे वो, किसी घर के उजियारे वो, किसी को प्राण से प्यारे वो, किसी के राज दुलारे वो। सवेरा सौंप के हमको लिख ली अपनी शाम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। घड़ी दो घड़ी जिए पर युग युग को पर्याप्त हो गए, फूल जो मिले धूल में तो कण कण में व्याप्त हो गए। सलामत देश रहे ये कहते हुए समाप्त हो गए, सफर पर चलते हैं कह वीर गति को प्राप्त हो गए, पर्याप्त हो गए। किसी के सपन सलोने वो, किसी के सेज बिछौने वो, किसी आंगन के कोने वो, किसी के खेल खिलौने वो। किसी उर्मिला के लाखन और सिया के राम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। सौंपता हूँ हमारी इस पवित्र धरा पर जो शिलालेख बनकर के अंकित हो गए भारत माता के हृदय पर, उनको सौंपता हूं आखिरी पंक्तियां, सुनिएगा। कि तुम्हारी कुर्बानी का हर एक किस्सा याद रखेंगे, तुम्हारी खुशबू से तर ये गुलशन आबाद रखेंगे, तुम्हारे खून के कतरे कतरे को नाबाद रखेंगे। रहे ना रहे मगर हम भारत जिंदाबाद रखेंगे, रहे ना रहे मगर हम भारत जिंदाबाद रखेंगे। तुम्हारे पावन आंगन की, तुम्हारे पावन आंगन की धूल का तिलक लगाएंगे, रंगोली तीन रंग वाली तुम्हारे द्वार सजाएंगे। शहीदों के घर मंदिर गांव है तीर्थ धाम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। मैं चाहती हूँ अब इस स्थान पर मैं जिन्हें आवाज़ दूं, वो राजस्थान जयपुर की धरती से चलकर आपके बीच आते हैं, तो एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएं और हम बुलाएं श्री संजय झाला जी के लिए। मेरा मन कर रहा है, आप सब लोग फौजी लोग जी। मैं सेना के स्वाभिमान को गाना चाहता हूं। और पंक्ति आप तक पहुंचे तो मैं सीधे सीधे आपको कविता से जोड़ता हूँ। एक भारतीय सैनिक का स्वाभिमान क्या होता है?
मैं ये जो सूर्य उग्रहा है ये भारतीय सेना सूर्य को चुनौती देती है। मैं सूरज को नहीं जानता, मैं चंदा को नहीं मानता, नक्षत्रों की कुटिल चाल को मैं कदापि नहीं पहचानता। क्या है भारतीय सैनिक? मैंने जो कहा वही सत्य, मैंने जो किया वही कृत्य, मैंने जो देखा वही दृश्य, मैंने जो सुना वही श्रव्य। क्या इनको बिंदिया महावर की भाषा अच्छी नहीं लगती हो? क्या कहता है भारतीय सैनिक? कई किन्नरियों ने काम दृष्टि भी दी मुझको, कई वल्लरियों ने देह यष्ट भी दी मुझको, मैंने उनको धुतकार दिया, मैंने उनको फटकार दिया। यदि आसमान भी मुझसे झुककर नहीं मिला तो उसका अनव्यक्त मैंने आभार किया। यदि आसमान भी मुझसे झुककर नहीं मिला तो उसका अनव्यक्त मैंने आभार किया। मैं वारी बूंद पानी की बूंद, मैं वारी बूंद पर मैंने ना सागर का आधिपत्य स्वीकार किया। मैं याचक बनकर नहीं पला, ना हाथ जोड़ देवों के समक्ष व्यक्त आभार किया। मैं हिमाद्री और हिमखंडों की महाशिला, चक्रवात और तूफानों के महाकोप से मैं किंचित भी नहीं हिला। कई बार भवंडर आए मुझसे मिलने को, मैंने उनको अनदेखा किया, मैं उनसे नहीं। मैं कौन? मैं युग स्नेही दुखों की सिद्धि साधूंगा। कितने कष्ट पाते हैं, क्या हम वो कर सकते हैं जो ये कर रहे हैं? मैं युग से ही दुखों की सिद्धि साधूंगा, सुखों को अपने खूंटों से बांधूंगा। मैं साथ ही नहीं कदापि तिमिर हरतारों का, मैं संगी सदा सदा से हूं अंधियारों का। मैं ना इच्छुक मलय पवन की गंधों का, वामा की वेणी से आती हुई सुगंधों का। मैं प्रखर विरोधी संबंधों के धंधों का, कायर समझौते वाले सब प्रतिबंधों का। कायर समझौते वाले सब प्रतिबंधों का, मुझमें लेश मात्र भी दाह नहीं, इंद्रासन की भी चाह नहीं। मैं आपका पराक्रम गाना चाहता हूँ, आपका शौर्य गाना चाहता हूँ। मुझमें लेश मात्र भी दाह नहीं, इंद्रासन की भी चाह नहीं। वरुण तराए, अग्नि जलाए, धरती लीले, सागर पीले, इसकी भी परवाह नहीं। मैं प्रलयंकर शिव के डमरू का रौद्राग, मैं वडवानल जो है सागर में छुपी आग, मैं विरंच विरच सृष्टि का पूर्ण भाग, मैं धराधार धरणी धारक हूँ। क्या बात है, क्या बात है संजय भैया। मैं ब्रह्मा से बोलूंगा, इस रचना की गति मंद करो, छली छद्मियों नपुंसकों की संरचना को बंद करो, इस भ्रष्ट ध्रष्ट निकृष्ट पीढ़ियों को प्रभु तुम तो पथ दो। मुझे बनाकर नागवासु की पुनः मंदराचल मत दो, इस मंथन से जो निकलेगा हाला हल वो मैं पी लूंगा। मैं शिव सा विषपाई होकर शिव के चरणों में जी लूंगा, मैं शिव सा विषपाई होकर शिव के चरणों में जी लूंगा। मैं सूरज को नहीं जानता, मैं चंदा को। मेरा मन है उदयपुर से आई दीपिका माही जी आए और वो अपने अपनी बात, अपनी देशभक्ति का रंग अपनी कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं दीपिका माही जी। एक सैनिक जब पहली बार तिरंगे के सामने आता है तो उसके अंदर क्या जज्बात होते हैं, क्या भाव होते हैं, क्या क्या कहना चाहता है वो तिरंगे से, मैं चार पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। सैनिक कहता है, सुनिएगा, तिरंगे से कह रहा है कि आओ आओ मेरी सांसों पे कुछ खास लिख दो, जिंदगी भर खत्म ना हो वो एहसास लिख दो, बरसों की तलाश है, बरसों की तलाश है, आज खत्म हो जाएगी, मेरे हाथों की लकीरों में अपना विश्वास लिख दो, मेरे हाथों की लकीरों में अपना विश्वास लिख दो, मेरे हाथों की लकीरों में अपना विश्वास लिख दो। आप यहाँ हर दिन हर पल मृत्यु को जीवन का गीत सुनाते हैं। आइए मैं चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, आप सभी का मन मांगती हूँ। मिट्टी को ये सांसें अर्पित करती हूँ, खुद का इंसान होना गर्वित करती हूँ। मिट्टी को ये सांसें अर्पित करती हूँ, खुद का इंसान होना गर्वित करती हूँ। सरहद पर पहरा देने वालों तुमको, सरहद पर पहरा देने वालों तुमको
अपने सारे गीत समर्पित करती हूँ। हरा सफेद ओ केसरिया, हर रंग तुम्ही पे नाज करे, शीश झुका कर वक्त तुम्हें अपने दिन का आगाज करे। दुश्मन के अरमान विषैले और इरादा हिंसक है, सिर्फ तुम्हारे ही कांधों पर देश का ऊंचा मस्तक है। तुमसे है आजाद फिजा, तुमसे है आजाद फिजा, संतान तिरंगे की तुम हो, नमन तुम्हें करती है माही, जान तिरंगे की तुम हो, नमन तुम्हें करती है माही, जान तिरंगे की तुम हो, माँ के वीर सपूतों सचमुच, जान तिरंगे की तुम हो, जान तिरंगे की तुम हो। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। हम उस संगीत की ओर चलें, उस धुन की ओर चलें जो कहीं देशभक्ति से होकर हमारे कानों तक पहुंचता है और कानों से होकर दिल तक पहुंचता है। मैं आवाज़ देती हूं इस संगीत को जो आप तक पहुंचेगा।